Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. Hello students, myself Deepak Yadav और स्वागत करता हूँ आप सबको आपके ही YouTube चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th में यूनिट टेस्ट 6 जनवरी 2021 का टाइम टेबल देखेंगे, मतलब कौन से डेट को एग्ज़ाम होगी, किस डेट को आपको सबमिट करना है पेपर, ठीक है, पेपर अब आपको कब मिलेगा, पेपर कहाँ से मिलेगा और कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 9 का हम पूरी डिटेल में यहाँ पे चर्चा करते हैं आज। चाहे अगर आप हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो या गुजराती मीडियम में हो, तीनों मीडियम के लिए मैंने वीडियो ये बनाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, सेपरेट वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आपको इस जो भी यूनिट टेस्ट होंगे उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पर। जैसा कि आप लोग को मैंने बोला, स्टैंडर्ड 9 का यूनिट टेस्ट 6 जनवरी 2021, ऑल मीडियम मतलब हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, तीनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। तीनों मीडियम में मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, हिंदी में मैं समझा दूंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ हूँ, गुजराती में भी राइट किया हूँ। तो देखिए इस वीडियो को पूरा और समझिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसको समझ सके क्या है आपको आने वाला है टेस्ट में। तो सबसे पहले एग्ज़ाम डेट आपका है 27/01/2021 टू 30/01/2021, दैट मीन्स 27 जनवरी 2021 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक आपकी एग्ज़ाम रहेगी। 3 दिन की एग्ज़ाम होगी, चाहे आप 9th में हैं तो आपकी 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी, तो आप 2 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। आगे पेपर अवेलेबल कब होगा, पेपर आपको 27 जनवरी 2021 को, 27 जनवरी 2021 को 11 o'clock के पहले पहले आपको पेपर मिल जाएगा, दैट मीन्स 11 बजे तक आपको पेपर मिल जाएगा। चाहे तो आपके स्कूल वाले आपको सेंड तो करेंगे ही, अगर आप चाहते हो खुद से डाउनलोड करना तो आप www.gscb.org पे जाकर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं 27 जनवरी यहाँ पे 11 बजे से। आगे देखिए पेपर कंप्लीट कब तक करना है, तो आपके अगर 2 पेपर हैं चाहे 3 पेपर हैं, 9th का तो 2 ही पेपर है, ठीक है, तो आप इसको 30 जनवरी 2021 तक कंप्लीट कर सकते हो। 27 को पेपर मिलेगा, 30 तक आपको कंप्लीट करना है अपने पेरेंट्स के देखरेख में। आगे आंसर शीट सबमिशन, आपको सबमिशन कब करना है, तो आपने 30 तक कंप्लीट कर दिया, उसके बाद 30 के बाद 1 से लेकर 5 तारीख तक आप स्कूल में सबमिट कर सकते हैं, कभी भी सबमिट कर दे सकते हैं आपके स्कूल के टाइम के हिसाब से, जो भी आपका स्कूल का टाइमिंग होगा। तो ये रही जानकारी पहले हम पेपर के बारे में, अब हम देखते हैं आपके कौन से सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी। तो स्टैंडर्ड 9 में 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी, पहला जो सब्जेक्ट है वो गुजराती का, पहले हम सेकंड लैंग्वेज में देख रहे हैं, गुजराती सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के लिए। इसके बाद की स्लाइड में मैंने गुजराती मीडियम वालों के लिए भी बनाया है, तो गुजराती मीडियम वाले भी इस वीडियो को देखें, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो गुजराती का पेपर आएगा आपका, तो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के लिए देखो क्या क्या टॉपिक है, तो व्याकरण में क्या क्या आने वाला है, तो व्याकरण में आपको विशेषण आएगा, क्रिया विशेषण आएगा, संयोजक आएगा, विराम चिन्हों आवश्य, समास आएगा, शब्द समूह माटे 1 शब्द, तो ये आपके इतने टोटल 6 टॉपिक आएंगे व्याकरण में। आगे देखते हैं और क्या चीज़ आने वाला है गुजराती में। चलिए लेखन में आपको निबंध लेखन आपको आएगा इसमें। इसी तरह चैप्टर देखिए, चैप्टर में आपको गद्य में से सो टच नू सोनू ये आपका गद्य में से चैप्टर नंबर 15 में से आएगा, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आगे चैप्टर नंबर 17 में से देखिए, 17 में आपका छवि भीतरनी, ये भी एक आपका गद्य है, चैप्टर 17 का गद्य में से छवि भीतरनी आवशे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 में दिकरीनी विदाय पद में से एक ए चैप्टर आने वाला है, इस चैप्टर को आपको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 20 हरि आवने, मतलब ये भी पद्य है, 2 आपके गद्य आने वाले हैं
दो, देखो दो गद्य और दो पद्य, गद्य में चैप्टर नंबर 15 एंड 17 एंड पद्य में आपके चैप्टर नंबर 18 एंड 20। ओके, तो ये चार चैप्टर ये आएंगे और आपका निबंध लेखन आएगा और व्याकरण आने वाला है ए टॉपिक का, जो मैंने टॉपिक बताया है। तो ये हो गया हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए। अब देखते हैं गुजराती सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब गुजराती मीडियम वाले के लिए जिसका प्रथम भाषा है। तो इनके में आने वाला है एक तो पत्र लेखन, लेखन में क्या आएगा पत्र लेखन। दूसरा व्याकरण में, देखो व्याकरण में क्या आने वाला है, इसमें तो पत्र लेखन हो गया, इसमें समास लेखन आएगा व्याकरण में और गदार्थ ग्रहण आएगा एंड पदार्थ ग्रहण यहाँ पे ग्रहणेगी। तो ये आपके हो गए व्याकरण के टॉपिक्स। आगे देखते हैं हम इसमें प्रकरण 70, दैट मीन्स 17, चैप्टर नंबर 17 पद में से आपका आएगा मारा सपना माँ आव्याहरी, ये वाला चैप्टर। दूसरा प्रकरण 18 दैट मीन्स चैप्टर 18 में से पंगु यहाँ पे जो भी है ये आपका एक गद्य आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका लंग यते गिरिम। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 19 प्रकरण 19 माथी पप्पा हवे फोन मुकू, तो ये आपका पद्य में से आएगा, ठीक है। तो टोटल आपको देखो यहाँ पे पत्र लेखन हो गए, व्याकरण हो गया, चैप्टर नंबर 17 मतलब पद्य में से आएगा, चैप्टर 18 एंड 19 आपका देखो ये भी 18 भी पद्य में, सॉरी गद्य में से, ये दोनों गद्य में से और ये आपका पद्य में से आएगा चैप्टर नंबर 19। ओके, तो स्टूडेंट ये रहा गुजराती मीडियम को वालों के लिए, दैट मीन्स प्रथम भाषा का गुजराती सब्जेक्ट का एग्जाम के बारे और उसके सब्जेक्ट एंड आपको मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज बता दिया कौन सा चैप्टर आएगा कौन सा टॉपिक। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में आपको कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं जब भी सॉल्यूशन बनाऊंगा तो आपको तुरंत सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो, तो सबसे पहले गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में है, आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 6 में गुजराती में लिखा होगा 1945 पछीनू विश्व, इसी तरह इंग्लिश में जो लिखा होगा वो होगा वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो आप गुजराती में हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, तीनों इसको देख सकते हो आराम से। तो मतलब हिंदी में क्या आएगा आपका 1945 के बाद का विश्व, ठीक है, ये चैप्टर नंबर हो गया 6 में से। तो चैप्टर नंबर 12 जो है आपका भारतीय लोकशाही, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी, हिंदी में भी उसको बोलते हैं भारतीय लोकशाही है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 एंड इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर नंबर 16 में से क्या आने वाला है आबोहवा, गुजराती में बोलते हैं आबोहवा एंड इसको हिंदी यहाँ पे क्या बोलेंगे क्लाइमेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में चैप्टर आपका लिखा होगा क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 में मतलब कुदरती वनस्पति, गुजराती मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के लिए नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर का नेम इस तरह से लिखा होगा नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट है आपका एक चैप्टर आएगा 18 वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ। तो चैप्टर नंबर कौन कौन से आएंगे एसएस में, चैप्टर 6 12 16 17 18। तो आप अपना बुक ओपन करके वहां से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड 9 का कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।